दिस इज मोहन एंड यू आर वॉचिंग BHU पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जैसा कि आज का टॉपिक आप देख सकते हैं BHU और LLB का है। आज मैं सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये सिलेबस जो होगा ये 2021 को लेकर डेडिकेटेड होगा। तो जैसा कि पहले मैं दो तीन क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा। जैसे कि आपके एक स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि सर जो BHU LLB 3 ईयर है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो BHU में आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए आप अपेयरिंग में भी डाल सकते हैं, जो अभी फाइनल ईयर में स्टूडेंट हैं वो भी अप्लीकेबल होंगे ये फॉर्म फिल करने के लिए 2021 में, जब ये फॉर्म की डेट आएगी। दूसरी बात कर लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, टाइम ड्यूरेशन क्या है, माइनस मार्किंग कितनी है, सारे क्वेश्चन का आंसर अब आके हम देखते हैं। पहले मैं आपको बता दूं जो इसका क्वेश्चन पेपर होता है वो 150 क्वेश्चंस का होता है और जो फुल मार्क्स होता है वो 450 होगा और एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा और माइनस मार्किंग 1 मार्क्स की होगी। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट होगा। एंड ओवरऑल 150 क्वेश्चन होंगे जिनके 4 पोर्शन हैं और ये मेजर पोर्शन है। ये एग्ज़ाम की तैयारी से पहले हमें इनको डिस्कस करना पड़ेगा और हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, इस बार क्या रेशियो रहा है, वो पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो जैसे आप पहले देख सकते हैं ये जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ और ये CA करेंट अफेयर है। तो इससे जो क्वेश्चन है वो आपके 40 क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्सीमेट। मैं आपको ये बता दूँ कि BHU का जो सिलेबस है, BHU LLB का जो सिलेबस है वो हमेशा जो पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, थोड़े कम ज़्यादा एक किसी एक पोर्शन से ज़्यादा किसी एक पोर्शन से कम आते रहते हैं। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं जो डेटा लिख रहा हूँ वो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेट है। जैसे 40 लिखा हूँ तो वो 35 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए, वेरी करेगा। फिर हम मेंटल एबिलिटी और मैथ्स की बात करते हैं, तो इससे भी आप 40 क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये पोर्शन में सबसे ज़्यादा वेरी होता है। जैसे इस बार मैथ्स ज़्यादा पूछा, 19 में मैथ्स जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो कम थे। फिर हम आते हैं कॉमन लीगल नॉलेज पे। कॉमन लीगल नॉलेज क्या होती है, आगे की क्लास में आपके जो सर होंगे वो आपको बताएंगे। कॉमन लीगल नॉलेज के साथ ये कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान से जो क्वेश्चन आएंगे वो 40 क्वेश्चन आते हैं, 40+ आप कह लीजिए, और लीगल से जो आपके क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद जो ये लैंग्वेज का पोर्शन है ये लास्ट पोर्शन होता है आपके पेपर में, ये लास्ट में होता है 20 क्वेश्चंस का, 20 इसके होते हैं, 20 इसके होते हैं। और आपको क्लियर कर दूँ, ये ऑप्शनल होता है, आपको इनमें से किसी एक पोर्शन को ही करना होगा। आप चाहे हिंदी करिए या इंग्लिश करिए, हिंदी में करते हैं लैंग्वेज और ग्रामर दोनों आएगा और इंग्लिश में मैक्सिमम ग्रामर क्वेश्चन पूछेगा। तो ओवरऑल जो ये डेटा है ये बहुत ही शॉर्ट है और अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के थ्रू, हमारे कोचिंग के थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप कॉल करिए, पहले पूरी इंक्वायरीज लीजिए, कोर्स फीस के बारे में जानिए और हमारी क्लासेस के बारे में जानिए, उसके बाद आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी क्लासेस रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, अभी 4-5 दिनों से स्टार्ट है। अभी तक जो इस कोर्स में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो 15+ हो गए हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करिए। और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।